7 दिसंबर से शुरू हो रही है पार्लियामेंट। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक बार प्रधानमंत्री जी की आंख से आंख मिला करके पूछूंगा जरूर। मैं तो शायर हूं, मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूंगा तो उनसे यूं पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि वो जो जिंदगी जिसका जिक्र मुझसे नुसरत साहब पिछले 5-7 साल से करते हैं, वो जोश वो जज्बा यहां के नौजवानों में नजर आना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कुछ लोग तो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े, अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि किसे वोट देना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुखातिब होइए, मुझे सुनिए, फिर फैसला करिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मैं कह ले जाता हूं, मुझे छूट है, और मैं कहूंगा तो फिर यूं कहूंगा कि चाय बेचने वाला पूरा, मैं अगली लाइन सुनिए, ये इस पे तो आपने बड़ी ताली पहले से बजा रखी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई, मैं मित्रों भाइयों बहनों नहीं कहूंगा, मैं सीधे बस आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, बस इस लड़ाई का मकसद समझ लेना। मैं एक दिन राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा था तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया पैर में छाले नहीं आए? उन्होंने कहा तुम्हारे आए? तो मैंने कहा मेरे पांव में तो बहुत सारे छाले आए, लेकिन मैं तो अक्सर अपने छालों को देख के ये सोचता रहा कि अभी से पांव के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा इमरान मेरे पैर में एक भी छाले नहीं आए। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मुझे देश के दिल में जो छाले पड़े हैं उनकी परवाह है, इसलिए मेरे दिल में, मेरे पैर में छाले नहीं पड़ रहे। मैं उनके साथ जब चल रहा था, मैं बड़ा जज्बाती होकर के आपसे बात बता रहा हूं, केरल में एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? तो मैंने सिर्फ एक बात कही, और ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखें नम है। मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं राहुल गांधी के साथ इस देश को बचाने की मुहिम में चल रहा हूं। फिर एक बार जंगल में आग लगी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। गौरैया एक छोटा सा परिंदा होता, बहुत छोटा सा, जैसे आज मुल्क में नफरत की आग लगी है, ऐसे ही जंगल में आग लगी थी, भयानक आग। सारे जानवर अपना जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही,
उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आई कि उड़ के पड़ोस के जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई और उस तालाब से अपनी चोंच में जितना एक दो बूंद तीन बूंद पानी भर सकती थी पानी भर के उड़ करके उस दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेके आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर चोंच में दो बूंद पानी लेकर के आई और आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे दो बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना, गौरैया ने कहा, मुझे यह बात पता है कि मेरे दो बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाली सदियों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बिल्किस का मुद्दा हो, जबान नहीं खुली केजरीवाल की, दंगे हुए, जबान नहीं खुली केजरीवाल की। मरकज पे एफआईआर करवाना था कोविड के दौरान तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरकज पे एफआईआर किया जाना चाहिए। मेरे भाई, ये जो लबादा ओढ़ करके, ये जो आवरण ढक करके झूठे लोग आपके बीच में आए हैं, उनके झांसे में मत आइएगा। मैं तो अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताए अन्ना हजारे कहां गए, वो भी गायब हो गए। बस अपने उनके साथ जो लोग खड़े थे भाजपा की मदद के लिए, वो आज भाजपा को हर स्टेट में फायदा पहुंचाने के लिए घूम रहे। लेकिन हिमाचल में जैसे उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध लिया हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही पिछले एक हफ्ते में उन्होंने गुजरात का इलेक्शन भी लगभग छोड़ दिया। अब लड़ नहीं रहे, उनको समझ में आ गया है कि यहां कुछ है नहीं। गुजरात की आवाम बड़ी समझदार है, वो जो डायलॉग है ना कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, तो ये गुजरात है, वो व्यापारी बन के आपको यहाँ ठगने आए तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, यहाँ तो हमसे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा व्यापारी है। वो एक यहाँ के आपके इलाके का एक बच्चा जो है इंटरव्यू देने गया तो सामने बैठे इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि अच्छा ये बताओ जंगल में शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? तो लड़का सोमनाथ का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो इंटरव्यू वाले ने कहा अच्छा तुम नदी पार कर रहे हो वहां शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो बोले यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, तो उसने कहा आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो, कहां से यहां पे शेर आ जाएगा? तो आप समझदार लोग हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के झांसे में आप आ नहीं रहे। ये बात उन्हें समझ में आ गई के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार रहना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना के हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। मुझे अच्छा लग रहा है इस मंच पर, कौन हिंदू कौन मुसलमान कोई भेद नहीं है, सब मिलजुल करके बैठे। उधर देखिए भगवा ओढ़ के हमारे एक भाई खड़े, इधर देखिए कोई टोपी लगा करके बैठा है, ये कांग्रेस की मोहब्बत की राजनीति है। हम चाहते हैं कि लोग मिलजुल करके रहे के हमने समसम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया,
अनेक रंग के ख्वाब देखे मगर तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना आज नहीं लग रहा है कि वो साजिशें करके अपने विमल को हरा देंगे। मैं तो उनसे बस आखिर में इतना कह रहा हूं, ये जो 3 मिनट बचे हैं इसमें, कि दायरे में सिमट के आएगा जहां है जैसे है। जो चौथी लाइन है उस पे समर्थन का हाथ उठना चाहिए आप सारे लोगों का, कि दायरे में सिमट के आएगा हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो आंधियों को जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के आएगा शेर वापस पलट के आएगा।